दिल्ली की सड़कों पर लोग सुरक्षित रहें, किसी हादसे का शिकार ना हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अनोखी मुहिम शुरू की है। मुहिम के तहत राजधानी के 100 खतरनाक ड्राइवर्स की लिस्ट तैयार की जा रही है, जो एक्सीडेंट और यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए बदनाम है। अब उन्हें ढूंढकर समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि सुधर जाइए वरना गाड़ी नहीं चला पाएंगे। दिल्ली की सड़कें सुरक्षित होने वाली हैं। राजधानी की सड़क पर रैश ड्राइविंग करने वाले हों या फिर यातायात नियमों का मखौल उड़ाने वाले, उन सब पर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसा करने वाले बस अब सुधर जाएं तो बेहतर, वरना बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की उन पर सीधी और पैनी नज़र है, खासकर वो लोग जो सड़कों पर अपने साथ साथ दूसरों की जान जोखिम में डालकर वाहन चलाते हैं। इस भीड़ में भी उन्हें न रफ्तार की फिक्र रहती है और ना ही यातायात नियमों की। बार बार ऐसे मामलों के लिए उनके चालान कटते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस राजधानी के 100 खतरनाक ड्राइवर की लिस्ट तैयार करने वाली है। इस लिस्ट में नाम आने के बाद बाकायदा उनकी खैर खबर ली जाएगी। गंभीर मामलों में लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। उन्हें रोड सेफ्टी के लिए वार्निंग भी दी जाएगी कि वो दिल्ली के सबसे असुरक्षित ड्राइवर हैं और लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। बेलगाम और खतरनाक ड्राइवर्स पर लगाम कसने वाला दिल्ली देश का पहला शहर होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खतरनाक ड्राइवर की लिस्ट बनाने का काम शुरू भी हो चुका है और कुछ खतरनाक ड्राइवर्स की पहचान भी हो चुकी है। इनमें रैश ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर हुए चालानों के आधार पर लिस्ट तैयार की जा रही है। दिल्ली की सड़कों पर ड्राइवर्स की लापरवाही से होने वाले हादसों पर लगाम कसने के लिए ये एक अच्छी पहल है। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला काम आएगा और सड़क पर होने वाले हादसों में भी कमी आएगी।